घराना वेटलैंड में पूरे साल दिखेगी पक्षियों की रौनक, वन विभाग कर रहा है नई प्लानिंग। गर्मी बढ़ने के साथ ही जम्मू के सीमांत क्षेत्र में आने वाले प्रसिद्ध घराना वेटलैंड से प्रवासी पक्षी जा चुके हैं, लेकिन वन्य जीव संरक्षण विभाग यहां ऐसा वातावरण तैयार करने में लगा है कि साल भर पक्षियों की रौनक बनी रहे। वेटलैंड में आवाजाही पर लगी रोक, इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। इस बार गर्मियों के सीजन में भी ग्रामीण लोगों की वेटलैंड में आवाजाही पर तो पाबंदी है ही, इसी के साथ घास चराई के लिए भी माल मवेशियों के वेटलैंड क्षेत्र में ले जाने की रोक लगाई हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण लोगों की चहलकदमी व माल मवेशियों के आने से स्थानीय बतखों में खलल पड़ सकता है। वही विभाग ने आसपास के नदी नालों में विचरण करने वाले गुगरत व छोटी सिल्ही बतखों को आकर्षित करने के लिए वेटलैंड क्षेत्र में छोटे तालाब भी तैयार करवाए गए हैं। यहाँ पर आहार रूपी कुछ बूटियों को संरक्षित किया गया है। वही वेटलैंड में इन बतखों के लिए दाने भी डाले जा रहे हैं, इसका असर दिखने लगा है। इन बतखों का रुझान वेटलैंड की ओर बना है। तकरीबन 2 दर्जन गुगरत बतखें इन दिनों वेटलैंड पर विचरण कर रही हैं। वहीं इन बतखों ने यहां पर अंडे भी दिए हैं और उनके बच्चे भी तालाब में विचरण करते नजर आते हैं। अब वन्य जीव संरक्षण विभाग पालतू बतखों को भी वेटलैंड के तालाब में छोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए पालतू बतखों के कुछ चूजे भी वेटलैंड पर मंगा लिए हैं और इनके कुछ और बड़ा होने का इंतजार किया जा रहा है। फिर इनको तालाब में छोड़ा जाएगा व इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। पर्यटकों ने कहा कि वेटलैंड में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। घराना वेटलैंड पर घूमने आई शीतल सिंह का कहना है कि वेटलैंड पर अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि सर्दियां बीतने पर प्रवासी पक्षी चले जाते हैं। ऐसे में वेटलैंड सूना सूना हो जाता है, लेकिन स्थानीय पालतू बतखों की यहां पर अगर उपस्थिति बनी रही तो पर्यटक लोग पूरे साल ही यहां पर आते रहेंगे। पक्षियों को बेहतर वातावरण देने के लिए हाल ही में वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वेटलैंड की तकरीबन 400 कनाल भूमि का अधिग्रहण कर तारबंदी कराई थी।